नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल सुखराज मशीनरी, नानक नाम मशीनरी कंपनी एंड अनमोल मशीनरी कंपनी, गुरकीरत मशीनरी कंपनी एंड कमल मशीनरी कंपनी जो YouTube चैनल है हमारे, उसमें आपका स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल जितने भी हैं उसमें सभी को सब्सक्राइबर करके रखो, क्योंकि उसमें हमारे जो नए नए जो बिजनेस आते रहते हैं, नई नई अपलोड वीडियो करते रहते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। आज मैं आपको नया बिजनेस जो है स्क्रू बनाने का, जिप्सन स्क्रू जो बनते हैं उसका, ऐसा जिप्सन स्क्रू ये वाला है, फोर हेड ऐसे आता है पीछे, जिप्सन स्क्रू है ये पूरा, जो हर काम वुड स्क्रू में आजकल आता है, वुड स्क्रू जितने भी हैं वुडन में, उसमें ये जिप्सन स्क्रू लगते हैं। पीवीसी चैनल जो बनते हैं, अपना पीओपी चैनल है जो, उसमें भी सारे स्क्रू लगते हैं ये वाले। इसकी आजकल बहुत डिमांड है इसकी, ये स्क्रू की, ये इसकी मशीन भी हम बनाते हैं। और वायर नेल है, जैसे ऐसे कंक्रीट नेल है, ये कंक्रीट नेल है ऐसे बड़े 5 इंची 6 इंची, और छोटे छोटे कुछ भी है, जैसे ये नेल है, ये देखो 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, ये किल है 2 इंची, 1.5 इंची, हेडलेस है जो वो भी है, छोटे छोटे बड़ी बड़ी किल भी है ये वाले, देखिए सभी जो नेल है, नेल बनाने की मशीन और स्क्रू बनाने की जो मशीन है वो सभी हमारे पास है। दोस्तों जो नेल वाली मशीन है, इसमें भी 6 टाइप का मॉडल है, इसमें इसमें SN1, 2, 3, 4, 5, 6 मॉडल है, और उसमें एक मशीन लगती है ऊपर, और एक पॉलिशिंग ड्रम, एक ग्राइंडर मशीन है, 3 मशीन का सेट है। जैसे आपने 1 इंची से लेके 6 इंची तक के पूरा सेटअप लगाना है, फिर उसमें एक 2 इंची का मशीन लगाओ, एक 4 इंची वाला SN4 वाला लगाओ, और SN6 वाला, SN1, SN2 वाला, और SN4 वाला, और SN6 वाला। फिर आप हर टाइप का, मतलब किल जो है 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, मतलब 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, सभी बन जाता है 4 नंबर तक। हर टाइप का ये आधी इंची से लेके 6 इंची तक 3 मशीन लगाओगे, प्रोडक्शन भी अच्छी खासी निकल जाती है और किल भी हर टाइप का बन जाता है। जेकर हमने एक मशीन लगाना है, फिर उसमें 3 इंची का सेट भी ले सकते हो, 4 इंची का भी ले सकते हो। 3 इंची का सेट ले लो, उसमें एक पॉलिशिंग ड्रम, एक ग्राइंडर है। 4 इंची का लेना है तो 4 इंची का मशीन ले लो, पॉलिशिंग ड्रम, ग्राइंडर है। छोटी मशीन लेना है तो 2 इंची का ले सकते हो, 2 इंची वाला पॉलिशिंग ड्रम, ग्राइंडर लेके। ऐसे हमारे पास नेल वाली मशीन भी है, उसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं साथ में, अभी नॉर्मल चल रही है। और हमारे पास जैसे स्क्रू वाली मशीन है, जो नेल वाली मशीन है और स्क्रू वाली मशीन है वो रिलेटेड काम है बिल्कुल। आप स्क्रू वाली भी लगा सकते हो, नेल वाली भी साथ में लगा सकते हो। स्क्रू वाली मशीन जो है और नेल वाली मशीन का पॉलिशिंग ड्रम, ग्राइंडर वो एक ही काम आ जाएगा। और स्क्रू वाली मशीन में एक हेडर मशीन लगेगा और एक रोल थ्रेड लगेगी। जो दोस्तों स्क्रू वाली मशीन है, इसके जो फोर हेड मशीन है, ये फोर हेड ऐसा बनाना आपने, जो जिप्सन स्क्रू जिसको बोल रहे हैं, जिसमें पीओपी चैनल में लगते हैं और भी वुडन स्क्रू जहां भी लगते हैं सभी, इसमें DHB वायर लगती है, जो इसका रॉ मटेरियल लगता है, DHB वायर है इसके, DHB वायर लगेगी, बढ़िया वाली वायर होती है। DHB वायर से इसका हेड बढ़िया बनता है, स्क्रू बढ़िया बनता है। और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें हेडर में हेड बन जाएगा पहले, फिर उसके बाद में रोल थ्रेड में चूड़ी डाल जाएगी। ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, इसमें वायर लगाना है, ऑटोमेटिक अपना बनता जाता है, जो स्क्रू है बन के इसको चूड़ी डाल के कंप्लीट हो जाता है। आप कंप्लीट होने के बाद में जो इसमें को ब्लैक करना है, बाद में जो ब्लैक वाला प्रोसेस एक लग गया है, उसका भी एक प्लांट आता है पूरा, उसमें हीटिंग करके और उसमें आगे केमिकल आता है कटिंग, और उसमें डालोगे तो ब्लैक हो जाता है, थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, उसका भी प्रोसेस साथ में मिलता है मेरे पास भी। ये जिप्सन स्क्रू का है, इसमें जो बड़ा हेड ले सकते हैं, बड़ी रोल थ्रेड ले सकते हैं, ऐसा बड़े वाला भी बना सकते हो, छोटे वाला भी बना सकते हो। हमारे पास मतलब 2, 3, 4 मॉडल इसमें है, जो जो एक तो है आधी इंची से लेके 2 इंची तक बनेगा, तो एक है मतलब आधी इंची से लेके 3 इंची तक बनेगा, उसमें दोनों अलग अलग मॉडल है, वो बड़ी मशीन है, छोटी मशीन है, सेटअप है। फिर इसी मशीन में आपका ये देखिए, ये स्टील का स्क्रू है, स्टेनलेस स्टील का, SS का जिसको बोलते हैं, ये SS का स्क्रू भी इसी मशीन में बन जाता है, SS का स्क्रू भी बना सकते हो ऐसा, ये SS का स्क्रू छोटा बड़ा सभी बन जाता है। फिर यही मशीन में आपको ये एक मशीन और लगा लोगे, ऐसा माइनस वाला जो निशान रहता है, ऐसे स्क्रू भी बना सकते हो माइनस वाला। इसमें एक मतलब कटिंग मशीन आता है,
आराम मशीन आती है उससे ये कटिंग ऐसे माइनस पॉइंट भी हो जाता है, माइनस वाला भी, ये भी मशीन बन जाता है। और इसमें रिवेट भी जो हेडर है इसमें ये रिवेट भी बना सकते हो, किसी टाइप का एल्यूमिनियम की रिवेट, कॉपर की, एमएस की रिवेट भी बन जाती है। जो मशीन स्क्रू ऐसे मशीन स्क्रू भी बन जाते हैं इसमें, ये मशीन स्क्रू है, मशीन स्क्रू जैसे ही डाई लगाओगे वैसा ही स्क्रू इसमें बन जाता है। आप जो मशीन स्क्रू है वो एच बी वायर में बन जाता है, जो एच बी वायर है। जिप्सन स्क्रू के लिए डबल एच बी वायर लगाना पड़ता है, मशीन स्क्रू बनाना तो उसमें एच बी वायर ही चल जाता है उसमें। ये हो गया है आपका स्क्रू का जो प्लांट है पूरा, ये हमारे पास मॉडल है। आप वीडियो साथ में देख रहे हो, वीडियो में आपको सारी जानकारी इसकी मिल रही है, कैसा हेड बन रहा है, कैसी चूड़ी डाल रही है, कैसा पॉलिशिंग हो रहा है, ग्राइंडर का क्या काम है, ग्राइंडर का जो इसका कटर होता है उसकी दाल लगानी पड़ती है थोड़े एक दो दिन बाद, इसीलिए ग्राइंडर है। ग्राइंडर भी स्पेशल ग्राइंडर होती है, एक साइड में तीन व्हील होते हैं, एक साइड में एक व्हील होता है, कितनी एंगल में दाल लगानी है, कितनी डिग्री में लगनी, उसी हिसाब से ग्राइंडर बना होता है, पूरा सेटअप होता है। आम ग्राइंडर में दाल नहीं लगती इसकी, ये सेटअप उसी हिसाब से बना होता है। फिर बाकी ये नेल का हो गया, नेल में जो वायर है जो नेल वाले में उसमें एच बी वायर ही लगती है, उसमें सभी गेज का वायर जो है वो मिल जाता है, ड्रा हुआ जो वायर है, हर साइज का रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, हर सिटी में मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है। इनों में भी एच बी डबल एच बी या इसमें एच बी वायर है नेल वाली, इसमें भी कोई मतलब रॉ मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं, हर जगह मिल जाता है, ये इजी मिल जाते हैं रॉ मटेरियल सभी जगह पे। दोस्तों जो वायर नेल की मशीन का मैं जो आपको बता रहा था, ये बता रहा हूँ मैं, ये दोस्तों आप जैसे ज्यादा मशीन लगाओगे तो इसमें प्रोडक्शन ज्यादा निकल जाएगी, आपको लेबर कॉस्ट कम पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर है मेन ऑपरेटर एक ही चाहिए आपको, वो चाहे 10 मशीन लगा लो 5 लगा लो, मेन ऑपरेटर से ऑटोमेटिक मशीन होती है वायर नेल वाली भी, वो आप एक बार उसमें रोल लगा दिया, सेट कर दिया, अपने आप नेल बनते जाते हैं। चाहे 10 मशीन लगी होगी तो 10 मशीन में एक ऑपरेटर दो हेल्पर चाहिए, एक दो हेल्पर चाहिए, वो अपने आप वो सारा काम हो जाता है, ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसका भी जो रॉ मटेरियल जो मैं आपको बताया एच बी वायर है हर जगह मिल जाती है, बाकी इसकी जो रायपुर से भी मिल जाती है, जैसे दुर्गापुर है वहां से भी मिल जाती है, वहां से वायर और थोड़ी सस्ती मिल जाती है, काफी सस्ती मिल जाती है वहां से, और हर जगह इसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, एक दो रुपए थोड़ा हर सिटी में मिल जाती है, दुर्गापुर से एक दो रुपए महंगी मिलेगी, बस इतना ही फर्क है, कोई ज्यादा नहीं है। बाकी इसका रॉ मटेरियल रोल लगा दिया है, मतलब वायर नेल जो है बनना शुरू हो गया ऑटोमेटिक, इसके लिए एक ब्रेकर है, जितनी मर्जी मशीन लगाओगे ज्यादा तो ज्यादा प्रोडक्शन निकलेगी, ज्यादा प्रॉफिट आपको आएगा, लेबर कॉस्ट कम आएगी। इसी हिसाब से अगर आपका थोड़ा बजट कम है तो आप वायर नेल से एक मशीन लगाओ या दो मशीन लगा के स्टार्ट काम कर सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपका बजट थोड़ा ज्यादा हो जाए फिर नेल वाली स्क्रू वाली बाद में भी लगा सकते हो, जेकर आपका बजट है तो साथ में नेल वाली स्क्रू वाली दोनों भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑपरेटर वो ही लगना है, ऑपरेटर आपका स्क्रू भी बन देना है तो ये नेल भी बन देना है, आपका मतलब काम सेम ही है दोनों। हार्डवेयर की जहाँ सप्लाई करना है वो भी सेम ही मार्केट है, हार्डवेयर के होलसेलर होते हैं वहाँ ही सप्लाई होना, नेल भी स्क्रू भी वहाँ ही सप्लाई होना है, सारा कुछ मार्केट एक ही है सप्लाई करने के लिए, दोनों काम भी शुरू कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास जैसे बारबेड वायर की भी मशीन है हमारे पास, और इसकी जो मैं दोस्तों बता रहा हूँ जैसे वायर नेल हुआ ये स्क्रू वाला हो गया, इसका मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए हमारे जो रॉ मटेरियल ड्रा करने के लिए वायर जो है वो भी हमारे पास मशीन है, वायर ड्रा मशीन होती है कि जैसे हमने क्वाइल पीछे लिया 5 mm का, 5 mm का ड्रा करके उसमें आगे मतलब 4 gauge 6 gauge मतलब जितनी भी आगे गेज बनाना है 10 gauge 12 gauge वो 12 gauge बना सकते हो आगे, उसके आगे फिर जो कंटक्शन वायर जो आती है जो सरिया बांधने वाली लेंटर वाली वो वायर बनाते हैं जैसे 20 नंबर 22 नंबर वो 12 नंबर से गाड़ी वो फिर प्लांट लग जाता है, वो भी आप वायर ड्रा मशीन लगा सकते हो। वायर ड्रा मशीन जो है 4.5 gauge से मतलब जो कोयल आता है 5 gauge का आपका 5.5 mm का वहां से 12 gauge बन जाती है, 12 gauge से आगे फिर प्लांट लगता है उसमें 20 gauge बन जाती है। आप उसमें एक फर्नेस भी लगा सकते हो, फर्नेस लगा के उसमें थोड़ी तार हीट करनी पड़ती है नरम करके, आप 20 gauge जो सरिया बांधने वाली वायर है वो भी बना सकते हो साथ में। और ये डबल एच बी वायर है ये भी बन जाती है उसी में, वायर ड्रा करके डबल एच बी वायर भी बन जाती है उसी में, फर्नेस में ये डबल एच बी बन जाएगी, एच बी वायर भी दोनों बन जाएगी आपकी, आप वायर ड्रा मशीन लगा जाते हो, ड्रा मशीन बोलते हैं उसको। और इसके बाद में मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि ये इसी काम के रिलेटेड जो मशीनें हैं जैसे बारबेड वायर है,
बारबेड वायर होती है कांडेदार तार मारने वाली, कांडेदार तार जिसको बोलते हैं, जो खेतों की बाड़ करते हैं। बारबेड वायर की भी हमारे पास मशीन है, वो भी फुली ऑटोमेटिक है। उसमें भी 12 नंबर 14 नंबर कोई भी नंबर लग जाती है उसमें, वो भी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। उसमें रोल लगाओ, मतलब वायर का ऑटोमेटिक मशीन चलती रहती है, रोल आगे बन जाता है। जितने का भी रोल बनाना, 15 किलो 20 किलो का वो रोल बन जाते हैं उसमें, 20 किलो 25 किलो कितने का रोल बनाना, कितने किलो का वो रोल बन जाएगा, वो भी हमारे पास मशीन है। उसी के रिलेटेड एक चेन लिंक मशीन आती है, फेंसिंग चैन वायर लिंक चैन, मतलब फेंसिंग वायर जो बोलते हैं, चैन लिंक बोलते हैं, वो भी मशीन है हमारे पास। वो भी मशीन जो है वो भी फुली ऑटोमेटिक मशीन है और सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक भी है सेमी ऑटोमेटिक भी है। उसमें सेमी ऑटोमेटिक लगाओगे तो वो अच्छे प्रोडक्शन निकल जाती है उसमें भी। वो मशीन भी रेट भी मतलब रीजनेबल रेट है उसका, मतलब कम बजट में लग जाती है, वो भी आप लगा सकते हो। उसमें भी मतलब वायर लगाओ तो आगे उसमें एक दूजे के लिंक जो अपने आप बीच में चले जाते हैं, उसको साइड में बेंड ही करना होता है, जाल पूरा बन जाता है। वो भी आप खेतों की बाहर जो पार्क में या कहीं लगानी हो, खेतों में बाहर या कहीं और भी बहुत जगह लगती है, वो भी आप बन जाती है। हमारे पास और भी बहुत सारी वायर के रिलेटेड और भी बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे हमारे पास पैकिंग क्लिप वाली मशीन है, वो भी है। वायर के रिलेटेड और भी काफ़ी सारी मशीन हमारे पास मशीनें हैं दोस्तों, ये मैं बता रहा था। और जैसे ये नेल है, यू नेल की भी मशीन होती है हमारे पास, यू नेल भी जो बारबेड वायर होती है उसमें यू नेल भी जो लकड़ी का लगाते हैं उसमें यू नेल भी लगता है, वो ठोके तो वो भी लग जाती है बारबेड वायर वायर लगाने के, यू नेल वाली भी हमारे पास मशीन है। ऐसे हमारे पास वायर नेल की, वायर के रिलेटेड और भी काफ़ी सारी मशीनें हैं। जो आपको चाहिए हमारे जो वीडियो है उसके नीचे नंबर दिए है, आप यूट्यूब में उसमें व्हाट्सअप में जाके उसमें हमारे मैसेज कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो। वैसे व्हाट्सअप में मैसेज करो तो उसमें आपको रिप्लाई हो जाता है, व्हाट्सअप मैसेज करो उसमें प्राइस भेज देते हैं हम, प्राइस देख के आप जो है कंपनी का अकाउंट है उसमें आप बुक करा सकते हो मशीन, और बुकिंग कराओ फिर हम एक हफ्ता या 10 दिन में या जितने दिन में भी रेडी हो जाती है, रेडी हो गया पेमेंट आएगी तो मशीन डिस्पैच हो जाती है। आप हमारी जो कंपनी है पूरी ISO सर्टिफाइड कंपनी है, ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा ISO सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ये देखिए वो हमारा ISO सर्टिफिकेट लगा हुआ है, नंदकुमार मशीनरी कंपनी है, सरकार मशीनरी है, इसका ISO सर्टिफिकेट है। ये हमारा पूरा नीचे कैटलॉग स्टिकर दिए हुए सारा कुछ दोस्तों। हमारा ये पूरा ऑफिस है हमारा अमृतसर में, ये इंडस्ट्रियल एरिया फोकल पॉइंट 52 प्लॉट नंबर है जो हमारा, इसमें हमारा ऑफिस है। इधर ऑफिस भी है, फैक्ट्री भी है, आप कभी भी विजिट कर सकते हो, मशीन की बुकिंग कराओ, यहाँ से हम डिस्पैच कर देते हैं मशीन, आप आना चाहो आ सकते हो। अगर नहीं नहीं आना तो आप वहाँ से भी बुकिंग कराओ तो हम मशीन सप्लाई कर देते हैं। आप वीडियो कॉल करके भी हमारी फैक्ट्री देख सकते हो, वीडियो कॉल करो ऑफिस हमारा या फैक्ट्री या मशीन देख सकते हो, आप बुकिंग कराओ तो हम डिस्पैच कर देते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई लोग डरते हैं मतलब के ऑनलाइन बुकिंग कराने से या कुछ भी, इसमें कोई भी मरी नहीं है, हमारी कंपनी अच्छी है, मतलब रेपुटेटेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है। इंडस्ट्री एरिए में पूरा हमारा बड़ा प्लॉट है, उसमें इंडस्ट्री चल रही है, मशीनरी मैन्युफैक्चरर हैं हम खुद, हर मशीन जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इधर मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं हम, और क्वालिटी भी अच्छी होती है हमारी मशीनों की। जितने भी पार्ट है सभी हार्ड एंड ग्रैंड होते हैं हमारे, और पार्ट मशीन की लाइफ भी अच्छी होती है दोस्तों। हमारा चैनल देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल जो है देखते रहा करो और सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल को, और आगे जो वीडियो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।